वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकंड ईयर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द चैप्टर विच इज़ रिस्पायरेशन। इसमें यार आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसेज। समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको आप लोग लाजमी देखो। दूसरा यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पर समटाइम नोट आता है। अगर नोट ना भी आए तो यहाँ से आप लोगों के MCQs बन रहे होते हैं, आप लोग इस टॉपिक को भी लाजमी कवर करो। नेक्स्ट समटाइम्स आपसे कह सकता है कि आप लोग बताओ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये वही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। तो आप लोग इसको एक मरतबा पढ़ लो, अगर आया तो आप लोग इसको अटैम्प्ट लाजमी करना, ठीक है। इसमें आप लोग फर्दर डायग्राम भी बना सकते हो रिब्स के, रिब केज को शो करके कि लाइक उनकी मूवमेंट्स और ये वो दिस एंड डैट, इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जस्ट टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। फिगर्स बनाते हो तो आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आप लोग कोशिश किया करो कि कम अज़ कम आप लोग अपने पेपर में 3 से 4 डायग्राम्स तो मस्ट ड्रा करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर जो है वो नोट आता है लॉन्ग में, लेकिन आप लोग दोनों कर लो। एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को ऑक्सीजन के बारे में पूछता है या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के बारे में क्वेश्चन करता है। सो लिहाजा आप लोग इस टॉपिक को लाजमी कवर करो, ये ईजी है, ठीक है। और यहाँ से जो आप लोगों के पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसमें से आप लोगों को वो शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट। आप लोगों की बुक में एक हेडिंग है, एक टॉपिक है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में, क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हम लोग हम्बर्गर्स प्रिंसिपल या हम्बर्गर्स फिनोमेना आई थिंक कहते हैं। आप लोग इसको देख लो, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी में जो है वो हेल्प करते हैं। तो आप लोग इसको भी जो है वो लाजमी देखो। आप लोग इसको पूरे टॉपिक को कवर करो ना, तो इसमें आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर होंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में समटाइम्स आप लोगों से डिफरेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को लाजमी पता हो। डिजीज़ में आप लोगों के पास 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, ओटिटिस मीडिया, ठीक है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया और टीबी। निमोनिया और टीबी ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़ी थी, और अभी फिर आप लोग ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हो। इनको जस्ट एक रीड दे दो, बाकी इसमें आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो मेन टॉपिक है वो आप लोगों का यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी आसान बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें जो कि आप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सीधी सीधी कहानियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस भी आप लोगों के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों के पास ये जो है ना सेकेंड ईयर बायोलॉजी या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, इसमें जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं ना, 5-6 चैप्टर्स, यहाँ से आप लोगों का 70%, 75% या अप टू 80% पेपर भी कवर हो जाता है। सो लिहाजा आप लोग की जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से किया करो। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस भी इन्हीं जो है वो चैप्टर से बन रहे होते हैं। अब आप लोग जो है वो चैप्टर 1 को देखो, उसमें भी जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। होम्योस्टेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह आगे जो अगले 2-3 चैप्टर्स हैं ना, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ तक लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इनकी अच्छी तरह किया करो। मोस्टली जो आप लोगों का पेपर होता है यहाँ से कवर हो जाता है। अब होम्योस्टेसिस में हमारे पास सबसे पहले आप लोगों के पास है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी हमारे पास ये ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स शार्ट में भी आए हुए थे, और इसी को उन्होंने जो है वो इनके अडेप्टेशन का पूछा हुआ था, ठीक है, मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर फिशेज के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में। सो लिहाजा ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बताओ, ये भी शार्ट में समटाइम्स आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें एक्सक्रीशन इन द डिफरेंट एनिमल्स। जब मैंने सप्ली कह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दी थी, तो उसमें हमारी मरतबा ये क्वेश्चन आया हुआ था,
ठीक है, कि अमोनिया का बताना था, यूरिक एसिड और यूरिया का बताना था कि हमारे पास कौन कौन से एनिमल यूरिकोटाइलिक है, कौन से अमोनोटाइलिक हैं, ठीक है, उनकी वाटर कितना वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर एलिमिनेशन। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट में समटाइम्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन के बारे में आपको पता हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी डायग्राम आपको लाजमी पता हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर समटाइम्स। ये शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में आया तो या तो वो आप लोगों को बोलेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताओ, या वो आप लोगों से टाइप्स का बोलेगा, या फिर समटाइम वो सिंपल डायग्राम का भी कह देते हैं। सो लिहाजा आप लोग ये तीनों चीज़ें नेफ्रॉन के बारे में लाजमी कर लो। दूसरा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से बनता है कि वाई जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है। जब मैंने जो है वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था तो इस चैप्टर से दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास आसमो रेगुलेटर्स और आसमो कन्फर्मर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी था और लॉन्ग क्वेश्चन भी था। और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में था, यूरिन फॉर्मेशन में जो आप लोगों के पास पहली हेडिंग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो आप लोगों ने जस्ट लिखनी थी। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो एफेरेंट और ईफेरेंट ट्यूब्यूल्स को शो करते हुए, ठीक है, ये आप लोगों की बुक में बनी हुई, आप लोग वहाँ से इसको देखो। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अटेम्प्ट भी करो और साथ में डायग्राम भी बनाओ टू सपोर्ट योर आंसर, ताकि एग्जामिनर पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो आप लोगों को मार्क्स दे कर जाए, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग ये जो मेन मेन डायग्राम्स हैं, जिसमें आप पहले चैप्टर में आपको लंग्स की डायग्राम या रिब्स की डायग्राम रफली बनानी आती हो, चैप्टर नंबर टू में आप लोगों को नेफ्रॉन की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ जो डायग्राम है या किडनी की डायग्राम है ये बनानी आती हो, तो ये चीज़ आप लोग जब पेपर में वो ड्रा करते हो तो आप लोगों को सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर फिर आपका कॉन्टेंट नहीं देखता, वो जस्ट आपने आप देखता है कि हाँ बच्चे ने एक डायग्राम बनाई है, तो बच्चे को पेपर आता है ये लाइक बन रहा है इसको मार्क्स दो। तो फिर जब अगले क्वेश्चन में आप लोग गलती भी करते हो तो एग्जामिनर का माइंड ऑलरेडी बना होता है कि हाँ ये लाइक है, तो फिर वो आपको उस गलती को इग्नोर करके आपको मार्क्स देकर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ किडनी एक्ट्स एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ये वही चीज़ हैं जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है। सो लिहाजा इनको आप लोग जस्ट एक मतलब रीड दो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से भी ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट का इतना मीन्स मेंटल लेवल या माइंड सेट बन चुका होता है। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट में एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ ADH कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस तरह से यूरिन कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 और 2 को जो है वो हर लिहाज से आप लोग क्लियर करो, आप लोगों का कम अज़ कम ना करते हुए भी 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा ईजिली। यहाँ से इन दो चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं 3-3 और लॉन्ग भी आता है। सो लिहाजा इन चैप्टर्स पर आप लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब इसमें आप लोगों के पास शॉर्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, अभी ये आपको पाना चाहिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स विद इट्स टाइप्स। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने जो है वो फाइनल एग्ज़ाम दिया था 2019 में तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ था कि क्लासीफाई जॉइंट्स, बस ये दो वर्ड दिए हुए थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इसमें फिर आप लोग जो है वो पहले डेफिनेशन लिखो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लो जॉइंट्स के फंक्शन क्या होते हैं, जॉइंट्स हमारी बॉडी में क्यों होते हैं, टाइप्स आप लोग बता दो कौन कौन सी टाइप्स हैं, उन टाइप्स की एग्जांपल्स बता दो, लास्ट में आप लोग डायग्राम बना दो कि हमारे पास किस तरह से जो है वो जॉइंट्स जो है वो दो बोन को जो है आपस में उनके दरमियान आर्टिकुलेशन करता है, ठीक है, उनको आर्टिकुलेट करवाता है। तो ये आप शो करवा लो तो आपके सॉलिड मार्क्स हैं, आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है। कुछ डिजीज़ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जैसे स्पॉन्डिलाइसिस, शियाटिका, अर्थराइटिस, बहुत आसान डिजीज़ है। शियाटिका क्या है, शियाटिक नर्व की इंजरी है, ये अर्थराइटिस आप लोगों के पास है वो जॉइंट्स की जो है वो बीमारी है, ठीक है, डिजीज़ है। तो ये जो है आप लोग डिजीज़ जो है वो एक मरतब पढ़ोगे तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ये वही डिजीज़ है जो कि आप लोगों ने जो है वो 10th क्लास में पढ़ी थी, अस्थमा और ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास बोन फ्रैक्चर की टाइप्स, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर शॉर्ट में आ सकता है, या फिर आप लोगों से शॉर्ट में वो पूछ सकता है कि हमारे पास ब्रोकन बोन को किस तरह से रिपेयर कर सकते हो आप लोग। अगर वो लॉन्ग में इस क्वेश्चन को देता है ना, फिर आप लोगों को वो ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बनाकर देगा कि हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर एंड हाउ ब्रोकन बोन कैन बी रिपेयर। तो इस तरह से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाकर
दे सकता है। सो लिहाजा आप इन दोनों टॉपिक्स को करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इस चैप्टर में आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास एक मॉडल है जिसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आता है और समटाइम्स लॉन्ग में भी आता है। अगर शॉर्ट में आए तो वो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देगा, या तो आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, या तो फिर वो आप लोगों को बोलेगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक्सप्लेन करो बस। लेकिन अगर उसने लॉन्ग में दिया तो यह आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एक्सप्लेन करो बाय यूजिंग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो फिर इस तरह आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें लिखनी होंगी उसके अंदर। सो लिहाजा आप लोग इसको भी जो है वो लाजमी कवर करो। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब इसमें आप लोगों के पास स्ट्रक्चर टाइप्स एंड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन आपको आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में आप लोगों से उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है, या समटाइम्स वो आपसे कह सकता है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो ये आपको पता हो, ईजी डायग्राम है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो एक मरतबा। और अगर डायग्राम नहीं भी आता तो कम से कम आप लोगों के पास न्यूरॉन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए भी ना तो आप लोग उसमें न्यूरॉन के डायग्राम ड्रा कर लो। स्ट्रक्चर का पूछे तो आप लोग डायग्राम ड्रा कर लो, टाइप्स का पूछे तो आप लोग न्यूरॉन की डायग्राम ड्रा कर लो। आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लिख के ले लो। रिफ्लेक्स एक्शन वही चीज़ है जो अगर आप लोगों ने टेंथ में पढ़ी थी, इसको जस्ट एक रीड दे दो। समटाइम एग्जामिनर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये लॉन्ग में ना भी आए तो समटाइम्स वो आपसे कहता है कि आप लोग रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लेन करो शॉर्ट में, ठीक है। अगर लॉन्ग में आए तो ये फिर फुल टॉपिक आप लोगों ने लिखना होता है, लेकिन ये लॉन्ग में मोस्टली नहीं आता, ये शॉर्ट में जो है वो इसका एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स की टाइप्स का आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास शॉर्ट में आप लोग बताओ कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। कंटिन्यूस और सॉल्टेटरी इसकी टाइप्स हैं नर्व इम्पल्स, तो ये आप लोगों को पता हो। साइनेप्सिस समटाइम आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपको पता हो, समटाइम आपसे कह सकता है कि आप लोग फोर ब्रेन के फंक्शंस बताओ, सेरिब्रम के फंक्शन बताओ, ठीक है। ये फुल टॉपिक आप लोगों का लॉन्ग या शॉर्ट में नहीं आता, किसी एक ब्रेन पार्ट को वो उठाते हैं और कहते हैं कि इसके चार फंक्शन बताओ, पांच फंक्शन बताओ, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक किसी पास पेपर में ये देखा नहीं है, लेकिन आप लोग इसको कर लो। समटाइम वो आप लोगों से सिंपथेटिक या पैरासिंपथेमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। शॉर्ट में पूछेगा तो किसी एक चीज़ के बारे में पूछेगा, या तो सिंपथेटिक या पैरासिंपथेटिक। अगर लॉन्ग में पूछा तो फिर वो दोनों के बारे में पूछेगा कि आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करो इन डिटेल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास जो है वो इस चैप्टर में कुछ हमारे पास स्पेशल रिसेप्टर्स गिवन है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। सम टाइम अगर एग्जामिनर ने पेपर मुश्किल बनाना होना तो वो फिर यहाँ से क्वेश्चन देता है। आप लोगों के पास स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ओल्फेक्शन है, गैस्ट्रेशन है, टेक्टेशन है, तो इनके स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन समटाइम्स आता है, सो लिहाजा आप लोग इसको कवर कर लो, ठीक है। इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। ये शॉर्ट में समटाइम्स आप लोगों से पूछी जा सकती है, सो लिहाजा आप लोग इसको लाजमी कवर करो। हम लोग बात करते हैं अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आप लोगों के पास शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आते हैं, और आगे जाकर जब आप लोगों का एमडी कैट, ईटा या केएमयू कैट होता है तो उसमें भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज जो है वो उठाए जाते हैं। सो लिहाजा इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छी तरह से कवर करो। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास हार्मोन्स की नेचर क्या है, स्टेरॉइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट में समटाइम्स वो आप लोगों से पूछ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता हो, अगर लॉन्ग में वो बोलेगा तो आप लोगों को वो कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सप्लेन करने के बोलेगा, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता। शॉर्ट में या तो फिर आपसे कह सकता है कि आप लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्सप्लेन करो, या लॉन्ग में एज अ पार्ट बी आता है कि आप लोग इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, आसान है, ठीक है, आप लोग इसको कर लो। तो इसके बाद आप लोगों के पास थायराइड ग्लैंड से आप लोगों को हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म में जो डिजीज़ हैं, ठीक है, ग्रेव डिजीज़ है, एक्सोपथैल्मिया है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप लोग बताओ हमारे पास हाइपरथायरॉइडिज्म क्या है या हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ईजी है, आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताओ, ठीक है। तो आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना आता हो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट बिहेवियर वाले चैप्टर में सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, सिंपल सिंपल बिहेवियर्स हैं, आप लोग वो कर लो। आप लोगों को वहाँ से बायोलॉजिकल रिदम्स का पता हो, पेज वन पे हैं, ठीक है, इस चैप्टर के इसकी टाइप्स हैं,
ठीक है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को इनेट बिहेवियर के करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, शॉर्ट में आ सकता है। काइनेसिस और टैक्सिस का पता हो कि हमारे पास ये कौन सी मूवमेंट्स हैं, कैसी कैसी मूवमेंट्स हैं, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, क्या सीन है, ठीक है, इनका पता हो। हैबिचुएशन के प्रोसेस को आप लोग एक्सप्लेन कर सको कि बेसिकली हैबिचुएशन है क्या। टेरेस्ट्रियल बिहेवियर और अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग इस चैप्टर को जो है वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक लाजमी आता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो यहाँ से उन्होंने या तो बायोलॉजिकल रिदम्स की टाइप्स का पूछा होता है, बहुत कम केसेस में। लेकिन आप लोगों के पास जो इसमें आप लोग मुझसे पूछो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट दो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, टेरेस्ट्रियल बिहेवियर और अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आपसे कह सकते हैं आप लोग इनको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, सूटेबल एग्जांपल्स, तो फिर आप लोग इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन में आप लोगों के पास बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप लोगों को बोले कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोस्टली जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो यही होता है कि आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पर नोट लिखो, या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन करो, या ओजेनेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समटाइम्स आप लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या व्हाट इज़ IVF, तो फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि IVF अब क्या है। तो IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये प्रोसेस है छोटा सा, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना आता हो। यहाँ पर मिसकैरेज और एबॉर्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप लोग देखो इसकी टाइप्स और ये वो। एड्स यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। एड्स वही आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, अभी सेकेंडरी में फिर पढ़ रहे हो, वो मैं ना भी बताऊँ तो आप लोग कम अज़ कम खुद से अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आप लोगों के पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो लिहाजा आप लोग इनको लाजमी कवर करो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट एंड एजिंग की, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आता। इसमें जो सब हेडिंग्स हैं ना वो शॉर्ट में आती हैं, जिस तरह वो आपसे कह सकते हैं कि आप लोग बताओ कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन पर नोट लिखो, ये आ सकता है। आप लोगों को कह सकता है कि आप लोग इम्प्लांटेशन को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन गैस्ट्रुलेशन या एक्सप्लेन न्यूरोलेशन, तो आप लोगों से वो इस तरह से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ सकता है, लॉन्ग में ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब ये भी लॉन्ग में नहीं आता, ठीक है। इसमें आप लोगों से कह सकता है कि आप लोग शॉर्ट में बताओ कि आप लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं ये बताओ, सेकंड की या थर्ड की, तो ये शॉर्ट में आप लोगों को कोई एक ट्राइमेस्टर दे देगा, तो वो आप लोगों ने बताना होगा कि हमारे पास इस ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। ट्विन्स एंड क्वाड्रिसेप्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ एलोमेट्रिक ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट के लिए साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग। अब यहाँ से अगर आप लोग मुझसे पूछो कि इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोगों को ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन का पता हो। नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो यहाँ से बॉटल फीडिंग वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग का पता हो, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग का पता हो। लेकिन आप लोग इन जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो सारे देखो, लेकिन इन तीनों पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस में आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि हमारे पास कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, ठीक है, उसके सेवन वो बताओ, तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। ये समटाइम शॉर्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेंडल के लॉज इंपॉर्टेंट हैं, हमारी मरतबा मुझे याद है कि मेंडल का लॉ आया था लॉन्ग में, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, जिसमें 9:3:3:1 वो थी। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों के पास है कोडोमिनेंस और आवर डोमिनेंस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग इस तरह करो कि डोमिनेंस की जितनी भी टाइप्स हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड आवर डोमिनेंस, ये आपको पता हो। समटाइम्स ये आप लोगों को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो मोस्टली एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि इसमें से कोई एक डोमिनेंस की टाइप उठाते हैं, कोडोमिनेंस या आवर डोमिनेंस, मोस्टली कोडोमिनेंस को उठाते हैं,
और कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों को ये डोमिनेंस रिलेशंस लाजमी आने चाहिए, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने तीन टॉपिक्स की बात की, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको पता हो, ये वही चीज़ है जो आप लोग नाइन्थ में पढ़ते आए हो। इसमें जैसे आप लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताओ, आप लोग ब्लड ग्रुप्स का बताओ, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, चार टाइप्स हैं, एंटीजन क्या है, हमारे पास एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बी में क्या होता है, ए बी में क्या होता है, ओ में क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, ये आप लोग इसमें एक्सप्लेन करो। बहुत आसान है, जस्ट एक मिनट आप लोग इसको बुक से पढ़ लो, बाकी खुद से लिखो इसमें, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम किया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था शॉर्ट में कि आप लोग एक्सप्लेन करो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। तो इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग इसमें लाजमी बताओ कि ये प्रपोज किसने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद बस शुरू हो जाओ कहानियाँ लिखने पे। और इसमें आप कुछ टेबल्स बना लो एंटीजन एंटीबॉडीज़ का कि हमारे पास ए में कौन सा होता है, बी में, ए बी में, ओ में, ठीक है। तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने टेबल बनाया है, ठीक है, इस बच्चे ने इन्फॉर्मेशन को टेबुलेट किया है। फिर वो आपको मार्क्स दे के जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, अच्छी तरह से आप लोग इसको लाजमी कर लो। नेक्स्ट हमारे पास एपिस्टेसिस इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग डिफरेंस बताओ बिटवीन द डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सॉरी रिसेसिव, एक्स डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट, रिसेसिव। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपसे शॉर्ट में पूछ ले। यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों से वो कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ये क्वेश्चन आता है। अब ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी है, स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप लोग अगर ये क्वेश्चंस भी कर लेते तो जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग इजीली जो है वो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से फर्दर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, तो पहले चार टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमारे पास पी प्लांट को क्यों जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया था वो, दूसरा हमारे पास मेंडल के लॉज, तीसरा हमारे पास डोमिनेंस के रिलेशंस, चौथी हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये चार टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि जो नेक्स्ट तीन चार टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, तीन टॉपिक्स जस्ट सिंपल डिफरेंसेस हैं, आप लोग इनको भी कर लो, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोग इजीली जो है वो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अटैम्प्ट कर लो। बाकी वो जो अजीब अजीब चीज़ें हैं इस चैप्टर में, तो फ्रिक्वेंसीज और क्रॉसिंग ओवर और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में नहीं आती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीएनए एंड क्रोमोसोम्स पर। ये चैप्टर भी लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है कुछ हद तक, लेकिन अगर आप लोगों ने जो है वो बाकी चैप्टर्स अच्छी तरह से किए हुए हैं इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे, तो आप लोगों को इस चैप्टर में फिर इतना मसला नहीं होगा। मींस अगर आप लोग इसमें से चॉइस पर छोड़ते भी हो तो आप लोग मींस पूरा पेपर 100% ईजिली अटैम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि चॉइस भी तो होती है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है लेकिन फिर आप उसको चॉइस पर छोड़ सकते हो, वो उस सूरत में जब आप लोगों ने बाकी सारा कवर किया हो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पास क्रोमोसोम्स की टाइप्स इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि हमारा फाइनल का एग्जाम था 2019 में, तो यहाँ से क्वेश्चन था कि आप लोग क्रोमोसोम्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करो, वो मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, वो चीज़ें, ठीक है। दूसरा, वेयर डू जीन रिजाइड्स, ये भी आप लोग कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डीएनए हमारे पास जो है वो एक्ट्स डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक, ग्रिफिथ्स के, एवीज के, ये वही एक्सपेरिमेंट हैं और एज इट इज़ हैं, आप लोग इनको पढ़ लो, इनमें से कोई एक का एक्सपेरिमेंट समटाइम शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे को कह सकता है एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग खुद से भी ये चीज़ें लिख सकते हो, जब जस्ट आप लोगों को ने जो है वो एक मरतबा पढ़ी हो, कहानी को आप लोग समझे हुए हो, तो आप लोग इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकोगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसी टॉपिक में से कि आप लोग डिफरेंस बताओ बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन द आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन के फेजेस का पता हो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर मोस्टली क्या करते हैं, वो ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में से देते हैं, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी डिपेंड करता है, ठीक है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है।
तो लिहाजा आप लोग डीएनआर एप्लीकेशन को भी देखो। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते तो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लो, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट बना लो और पेपर में खुद से लिखो, ठीक है, रट्टे ना लगाओ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है जी, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपिरॉन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप फिर भी मुझे कहते हो कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें से फर्दर इंपॉर्टेंट बता दें, तो वो हमारे पास एक तो क्रोमोसोम्स की टाइप्स होंगी, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होगा, ठीक है, तीसरी चीज़ में जो आपको बताऊँगा वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, चौथी चीज़ वो होगी वो डाउन सिंड्रोम। ये चार चीज़ें हैं, आप लोग इनको तो लाजमी करो, बाकी कोशिश करो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये कम अज़ कम ये जो चीज़ें मेंशन है इनको भी लाजमी कर लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरी चीज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तीसरी चीज़ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, और चौथी चीज़ डाउन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन के बारे में, छोटा सा चैप्टर है, इसमें आप लोगों को पता हो कि हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट्स फ्रॉम द प्रोकेरियोट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, सीधे सीधे आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, एंडोसिम्बियोसिस और ये इस तरह के लिए वो उसमें लिखने हैं। आप लोगों को मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, मुझे याद है हमारा 10th क्लास में ये लॉन्ग में आया हुआ था और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये लॉन्ग में आया हुआ था। अब मुझे ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि ये मैंने इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम में ये लॉन्ग में था या एनुअल में था, लेकिन ये लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का आपको पता हो, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग एवोल्यूशन का पता हो, अब इन दोनों टॉपिक्स में से एक कोई क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में आया हुआ था, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे कहते हो कि अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों को होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का पता हो शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए आप लोगों को मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी का पता हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप लोग कम से कम ये जो पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस या टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है इनको लाजमी करो। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप लोग मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी को कवर कर लो और साथ में होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स को कर लो, दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में से सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक्स, और ये आप लोग दोनों लाजमी करो, बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट पता हो, सम टाइम ये आप लोगों से वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो फिर वो आप लोगों से जो है वो पूछेगा कि हमारे पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन की टाइप्स बताओ कि किस किस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, या बायोलॉजिकल फिक्सेशन के बारे में नोट लिखो, या आपसे वो कह सकता है कि अमोनीफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीअमोनीफिकेशन, इन पर नोट लिखो, इनके बारे में बताओ, तो ये आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल अगर आप लोग कंप्लीट पढ़ लो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं जीरो सर्स के, ठीक है, आप लोगों को इसके स्टेजेस का पता हो, समटाइम्स शॉर्ट में भी और समटाइम्स लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आप लोग उसके जा सकते हैं। आई थिंक पेशावर बोर्ड का कोई पास पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन यहाँ से भी फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल है, लेकिन आप लोग जीरो सर्स की स्टेजेस को भी लाजमी देखो, एग्जामिनर के मूड का पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों के पास शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर सीजर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। दूसरी चीज़ यहाँ से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी आप लोगों के पास पीसीआर का मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशंस, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि राइट एनी फोर एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। अगर ये लॉन्ग में आए तो फिर आप लोगों को वो कब बोलेगा कि आप लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो और इसकी एप्लीकेशंस भी लिखो, ठीक है। सो आप लोग पीसीआर को लाजमी कवर करो। जेट इलेक्ट्रोफेरेसिस इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली शॉर्ट में आता है। जेनेटिक मार्कर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेजर गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग के लिए सिर्फ पीसीआर का मेथड है। अब यहाँ से भी फर्दर अगर आप लोग मुझे कहते हो कि इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, तो वो आप लोगों के पास पीसीआर का मेथड और उसकी एप्लीकेशंस। दूसरी चीज़ जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है जी स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग लाजमी करो। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस को करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स का पता हो आप लोगों को, जेनेटिक मार्कर्स का पता हो, जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस का पता हो, ठीक है। ये समटाइम्स ये पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि कम से कम ये जो मेंशनड टॉपिक्स हैं तो ये आप लोग लाजमी कवर करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम ये पीसीआर को लाजमी करो और स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को लाजमी करो, या आपको वो स्पेसिफाई करके भी दे सकते हैं कि हमारे पास ये क्राइमिनोलॉजी में किस तरह जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है।
लास्ट चैप्टर जो है वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप लोगों के पास, यहाँ पर मैंने चार टॉपिक्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हाट इज एसिलिमिटाइजेशन और बायोगैस। अब ये चार टॉपिक्स तो हैं, आप लोग कोशिश करो कि इनको लाजमी करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग यहाँ से सिर्फ दो टॉपिक्स कर लो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछी जा सकती है और लॉन्ग में पूछी जा सकती है। अगर शॉर्ट लॉन्ग में नहीं भी आती तो यहाँ से MCQs आते हैं, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों के पास बायोगैस प्रोडक्शन। आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है, सो लिहाजा ये आप लोगों को लाजमी पता हो। बाकी ये एसिलिमिटाइजेशन और डोमेस्टिक एनिमल्स की इंपॉर्टेंस ये इजी है, आप लोग एक मरतबा पढ़ोगे तो आप लोग ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकोगे, सो लिहाजा इन सारों को ही करो। लेकिन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फिर बता दूँ, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और बायोगैस है, ठीक है। सो ये तो आप लोगों के पास सेकेंड ईयर, उम्मीद है कि आप लोगों ने जब काफ़ी कुछ सीखा होगा। बस आप लोग कोशिश करो कि आप लोग कम से कम और कुछ नहीं तो यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन है उनको भी कर लो, तो आप लोग इजीली अपना पेपर कवर कर सकते हो, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।